तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ब्लड स्लॉटर को देखते हैं जो अपनी फास्ट स्पीड का यूज करके लियो फैमिली के काफी गार्ड्स को जान से मार देता है और उन्हें मारने के बाद ब्लड स्लॉटर का जहां मोड़ भी ज्यादा गहरा हो जाता है। तो वो कहता है कि यहाँ पास ही स्नो वैली है जहाँ से मुझे जे स्प्रे ट्री मिल जाएगा। अगर मैं उसे खा लूँ तो मेरी इंजरी कुछ ही पल में ठीक हो जाएगी और मैं उस मोटे सांड का मुकाबला कर सकूंगा। मोटे सांड से उसका मतलब लियो फैमिली का मास्टर होता है जो उसका पीछा कर रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है तो हम किंग लेवल बीस्ट को देखते हैं जो बांदर की इधर उधर कूद रहा होता है और जे स्पीड ट्री की रक्षा कर रहा होता है। तो उसे देखकर मुचन कहता है कि ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस पर स्लिपिंग पिल का असर नहीं हुआ, अब हम क्या करें। जिस पर थंडर कहती है कि हम इतनी मुश्किलों से यहाँ पर आए हैं, मैं हाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी। तो मुचन कहता है कि किसने कहा कि हम हाली हाथ जाएंगे, हमें बस एक प्रॉपर प्लान की जरूरत है। अभी अभी मेरे खुराफाती दिमाग में मस्त तड़का मारकर एक आइडिया आया है। किन्नर यही रुकेगी और हम सब उस बीस्ट के साथ फाइट करके उसका जान पटकाएंगे ताकि मौका मिलते ही किन्नर उस जे स्पीड ट्री को चोरी कर ले। जिस पर थंडर कहती है कि प्लान तो काफी अच्छा है पर हमें नहीं लगता कि हम उस पीठ के साथ ज्यादा देर तक फाइट कर पाएंगे, इसलिए किन्नर को जल्दी जल्दी करना होगा। दूसरी तरफ हम लू फैमिली के गार्ड को देखते हैं जो मास्टर को बताता है कि मास्टर ब्लड स्लॉटर को स्नो वैली की तरफ जाते हुए देखा गया है। जिस पर लू मुंबई कहता है कि स्नो वैली में तो काफी हाई लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट हैं। तो मुंबई का अंकल कहता है कि उसे क्या लगता है कि अगर वो हाई स्पिरिचुअल बीस्ट की टेरिटरी में चला जाएगा तो हम उसका पीछा करना छोड़ देंगे? कभी नहीं, आज चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए मैं उसका पीछा करना नहीं छोड़ूंगा। एंड ये कहकर वो सभी स्नो वैली की तरफ चल पड़ते हैं। देन हम गुफा के अंदर थंडर जो और मिंग को देखते हैं जो तीनों एक साथ किंग लेवल पीस पर अटैक करती हैं ताकि उसका ध्यान भटक जाए, और उस हरामी का ध्यान स्प्रेयर जे ट्री पर ही होता है और वो अपनी जगह से इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हिलता। तो ये देखकर मूचन डिस्ट्रक्शन पिल को बाहर निकाल लेते हैं और कहता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा, मुझे मौका देकर इस पिल से उस पर अटैक करना ही होगा। और तभी हम थंडर जो मिंग को देखते हैं जो स्पीड पर काफी सारे अटैक करके उसे उसकी जगह से हटाने की कोशिश करते हैं, पर वो मोटा सांड वहीं खड़े उनके सभी अटैक को टोच कर लेते हैं और अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हटता। तो वो तीनों मिलकर दोबारा एक साथ अटैक करते हैं जिससे इस बार पीस किंग थोड़ा पीछे जाता है। तो मुचन इसी मौके का फायदा उठाकर डिस्ट्रक्शन पिल को किंग लेवल पीस की तरफ फेंक देता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और किंग लेवल पीस वहीं पर ही नीचे गिर जाता है। तो ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि शुक्र है कि इस साले की छुट्टी हो गई। पर मुचन उन्हें बताता है कि ये अभी मरा नहीं है, तुम लोग इस पर नजर रखो ताकि किन्नर जल्दी से फ्रूट हासिल कर सके, मगर बुरी किस्मत का लिखा कौन डाल सकता है। मुचन ने अभी इतना कहा ही होता है कि वो किंग लेवल बीस दोबारा से उठ खड़ा होता है जिसे देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। एंड उठते ही वो किंग लेवल बीस एक त्योहार लगाता है जिससे बाकी सोए हुए मिडिल लेवल के बीस भी जाग जाते हैं। तो फिर मुचन कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये अभी इंजर्ड है, हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। एंड ये कहकर वो अपने नाइफ से किंग लेवल बीस पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे वो अपनी जगह से हिल जाता है और उसका पीछा करने लग जाता है। देन किन्नर इसी मौके का फायदा उठाकर फ्रूट को ले जाने लगती है, पर बीस कहता है कि ना बच्चा ना, मैं अंधा नहीं हूँ, और वो उसे देख लेता है। एंड देखते ही वो गुस्से में उस पर अटैक करता है और भला हो मुचन का जो बीच में आकर उस पर अटैक करके उसे रोक देता है। तो फिर बाकी सब भी मुचन के साथ मिलकर उस बीच पर अटैक करते हैं ताकि उसका ध्यान किन्नर से हट जाए। और फिर ऐसा ही होता है, किंग लेवल पीस का ध्यान किन्नर से हट जाता है और किन्नर उस फ्रूट को पकड़ लेती है। एंड पकड़ कर वो सबको आवाज देती है कि मुझे फ्रूट मिल गया है। तो उसकी ये आवाज किंग लेवल पीस भी सुन लेता है जो गुस्से में दौड़ते हुए किन्नर पर दोबारा अटैक करने के लिए आता है, पर मुचन दोबारा बीच में आ जाता है और ग्रेट बुद्धा मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करके किन्नर को बचा लेता है। तो फिर गुफा के बाहर का एक गार्ड अंदर आकर सबको बताता है कि बाहर जितने भी पीस हैं वो सब जाग चुके हैं। तो ये सुनकर थंडर कहती है कि अब आखिर हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। जिस पर मुचन कहता है कि मेरे पास प्लान है और वो फ्रूट को लेकर बीस को अपने पीछे लगा लेते हैं और किन्नर से कहता है कि तुम सब बाहर चले जाओ, मैं तुम लोगों से जल्दी मिलूंगा। क्योंकि किंग लेवल बीस के होते गुफा के अंदर से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए मुचन ने वही काम किया जो एक मेन कैरेक्टर को करना चाहिए। देन वो सब लोग गुफा से बाहर भागने लगती है पर तभी काफी सारे मिडिल लेवल के बीस वहां पर आ जाते हैं और साथ में ब्लड स्लॉटर भी। तो भाई लोग अब मजा आएगा ना देखने में कि आखिर ये यहाँ से कैसे बचती है। दूसरी तरफ हम मुचन को देखते हैं जो किंग लेवल बीस को अपने पीछे लगाता हुआ गुफा से काफी दूर ले आता है, पर वो खुला सांड फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जिस पर मुचन कहता है कि अगर मुझे इससे बचना है तो मुझे इसे किसी और की गुफा में लेकर जाना होगा। एंड तभी वो भागते भागते किसी और की गुफा में घुस जाता है। तो फिर किंग लेवल पीस भी उसके पीछे चला जाता है, पर गुफा में जाते ही वो काफी ज्यादा डर जाता है और स्लोली स्लोली आगे बढ़ने लगता है। तो किंग लेवल पीस को भीगी बिल्ली बनता देख मुचन समझ जाता है कि जरूर ये किसी हाई लेवल पीस की गुफा है, इसलिए इसके हाथ पैर कांप रहे हैं, पर ये साला फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। और फिर हम भीगी बिल्ली को देखते हैं, ओहो मेरा मतलब किंग
लेवल बीस्ट को जो मूचन की स्मेल को सूंघ लेता है और उसकी तरफ जाने लगता है। तो मूचन भी अपनी स्पेशल पावर से उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं एंड इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो पहलो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड इसका नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा इसलिए उसे देखना मत भूलना। अच्छा मैं चलता हूँ, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूरू।